Hello, good morning students, welcome back and we are studying lesson 2 and doing question answer of exercise C. Okay, so let's continue with the chapter. Yesterday we have done 3 question answer of exercise C. Kal humne 3 question answer kiya tha and 2 are remaining. So let's continue, let's do it. Question number 4. How do the trees help put the children to sleep? How do the trees help? किस प्रकार से पेड़ मदद करते हैं put the children to sleep, बच्चों को सुलाने में? ठीक है, मतलब उनका क्या योगदान है, किस तरह से वो मदद करते हैं बच्चों को सुलाने में? ठीक, सीधा आंसर, trees blow cool wind. पेड़ों से जो हवा चलती है वो बहुत ही क्या होती है, शीतल होती है, ठंडी होती है, ठंडी हवाएं इन पेड़ों से चलती हैं. एंड सिंग अ लल्लाबाय, सिंग लल्लाबाय, लल्लाबाय क्या होता है, लोरी होता है. जैसे कि प्राचीन समय में या अभी भी माँ अपने बच्चे को लोरी गा के, छोटा होता है बच्चा तो उससे लोरी गा के सुनाती हैं, मीन्स गुनगुनाती हैं और धीरे धीरे बच्चा वो सुन करके सो जाता है. ठीक है, तो ये पेड़ भी इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है मानो वो क्या गा रहे हैं, लोरी गा रहे हैं. जब यहाँ पर शीतल हवाएं चलती हैं, पत्तियां पेड़ों की हिलती हैं, तो वो एक मधुर आवाज उससे निकलता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोरी है. बाय द साउंड ऑफ देयर लीव्स टू मेक द चिल्ड्रन स्लीप, यानी कि उनके साउंड से जो पेड़ों की पत्तियां हवा के रूप में बहती हैं तो उनसे जो भी आवाज होती है ऐसा लगता है कि वो लोरी गा रही हैं, क्योंकि उससे शीतल हवा बहती है, मन बयार बहती है, तो वो उससे बच्चों को अच्छी नींद आ जाती है. जब हवा चलती है, जब बच्चे बिल्कुल आराम की स्थिति में होते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो सो जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो क्या गा रही है, पेड़ लोरी सुना रहे हैं, जिससे बच्चे सो जाते हैं. ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर मतलब है. And last question, how do trees help cows? ये पेड़ किस प्रकार से मदद करते हैं, किसकी, गायों की. ठीक है, cows की means जानवर जो होते हैं उनके किस प्रकार से, ना सिर्फ गाय बल्कि और भी जानवर होते हैं जो पेड़ की छाया में बैठते हैं. ठीक है, तो वो सभी को शेड प्रदान करती हैं, तो the trees give shade to cows. ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, यहाँ पर इसकी शेड में ये गाय बैठी है, मीन्स ये क्या प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं उनको बैठने के लिए, उनको शेड देते हैं. आप देखते हैं पेड़ जब घने होते हैं उनकी शाखाएं बहुत ही ज़्यादा फैली हुई होती हैं, तो वो पेड़ के नीचे बहुत ही छाया होती है, और जब हवा चलती है तो बहुत ही ठंडी हवा उससे निकलती है, तो वो क्या देती है, शीतलता देती है, और उसके नीचे बैठ के कोई भी आराम कर सकता है, रेस्ट कर सकता है. तो यहाँ पर इस प्रकार से वो शेड दे करके उनकी हेल्प करती हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे you have to write 2 question answer. I think yesterday I have given this question answer, de chuke hain aapko. To aapko karna kya hai, 1 to 5 question answer you have to write clearly, okay, neatly in your copy and learn it. इसे आप याद कर डालिए. आपको इसमें भी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज भी है ये भी आपको तैयार करना है, इसे आपको लर्न करना है और ये भी आपको तैयार करना है. और आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाला है, इसलिए आपको मैंने जो भी कुछ कहा, पहले तो आप इसकी 8 लाइंस आप लर्न कर लीजिए और इसमें जो भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं. ठीक है, बाकी एक्सरसाइज अभी आपका ये रह गया है, इसको हम कराएंगे इस लेसन में जो भी है. और लेकिन आपको अभी ये एक्सरसाइज बी और सी आपको कॉपी में लिख करके इसे आपको लर्न करना है. ठीक है, थैंक यू.